हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर जीके क्लास। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू पेज नंबर 23 ऑफ योर जीके बुक। काइंडली ओपन पेज नंबर 23 इन योर जीके बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कलरफुल इडियम्स। लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज एन इडियम। एन इडियम इज अ फ्रेज whose meaning is different from the literal meaning of the word. Sometimes idioms are about colors. So students, idiom क्या होता है? Idiom एक phrase होता है जिसका meaning बिल्कुल ही उसके जो phrase आप read करते हैं उससे बिल्कुल different होता है उसका meaning. Okay? So और कुछ idioms जो होते हैं वो colors के बारे में भी होते हैं। तो अभी आज जो आप chapter करने जा रहे हैं, in this chapter we will learn about the idioms related to colors. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट द मीनिंग ऑफ द इडियम्स। आपके सामने कुछ सेंटेंस होंगे, आपको उनको रीड करना है, समझना है, देन उन इडियम्स का आपको मीनिंग राइट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज, यू हैव अ ब्यूटिफुल गार्डन, यू मस्ट हैव ग्रीन फिंगर्स। दैट मीन्स आप, अब हम किसी से बोल रहे हैं कि यू हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन, आपका गार्डन बहुत सुंदर है, यू मस्ट हैव ग्रीन फिंगर्स। इन दिस सेंटेंस ग्रीन फिंगर इज द इडियम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन फिंगर्स? दैट इज गुड एट मेकिंग प्लांट्स ग्रो। दैट मीन्स कि वो पौधे उगाने में बहुत अच्छे हैं। दैट्स वाई यू हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन, बिकॉज यू मस्ट हैव ग्रीन फिंगर्स। यानी अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि वो पौधे उगाने में बहुत अच्छे हैं, यू कैन से देम ग्रीन फिंगर्स। ओके, नाउ नंबर टू, द न्यूज़ ऑफ माई सिस्टर्स विजिट केम आउट ऑफ द ब्लू। यानी मेरे सिस्टर के आने की जो न्यूज़ थी वो एकदम मेरे लिए आउट ऑफ द ब्लू थी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आउट ऑफ द ब्लू? यस, अनएक्सपेक्टेड। यानी मेरे सिस्टर के आने की न्यूज़ मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी, यानी मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आ सकती है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आउट ऑफ ब्लू? अनएक्सपेक्टेड। यानी जब भी आप अनएक्सपेक्टेड वर्ड के बारे में बात करें तब वहाँ आप आउट ऑफ द ब्लू idiom का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ईशा हैज ग्रीन विद एनवी व्हेन शी सॉ माय न्यू पेंसिल केस। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? कि ईशा ने जब मेरा न्यू पेंसिल केस देखा, शी वॉज ग्रीन विद एनवी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन विद एनवी? वेरी जेलस। वो बहुत ज़्यादा जेलस हो गई, बहुत ज़्यादा चिढ़ गई। तो जब जेलेसी की बात हो रही है, वेरी जेलेसी की बात हो रही है, यू कैन से दैट ग्रीन विद एनवी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, राहुल वॉज कॉट रेड हैंडेड वाइल स्टीलिंग चॉकलेट्स। यानी राहुल रंगे हाथों पकड़ा गया जब वो चॉकलेट्स चुरा रहा था। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड हैंडेड? कैच समवन इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग। यानी किसी को कुछ गलत करते हुए पकड़ना। ओके, सो दैट इज कॉल्ड रेड हैंडेड। Now the meaning of this idiom is clear to you. Move to the next one, which is number 5. My visit to the Red Fort was a golden opportunity to learn about the history of Delhi. Yani meri jo visit thi Red Fort ke liye, wo mere liye ek sunahra avsar thi ki main Delhi ki history jaan sakun. Okay, so what is the meaning of sunahra avsar? Golden opportunity means good chance, ek acha mauka. कि मेरा रेड फोर्ट की जो विजिट थी वो मेरे लिए एक अच्छा मौका थी जिससे कि मैं दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में जान सकता हूँ। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। माय फादर वांट्स द रूल टू बी इन ब्लैक एंड वाइट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लैक एंड वाइट? यस, इन रिटन फॉर्म, इन राइटिंग। माय फादर वांट्स द रूल टू बी इन राइटिंग। मेरे फादर चाहते हैं कि मैं ये सारे रूल्स उनको राइटिंग में दूँ। ओके, नाउ द मीनिंग इज क्लियर टू यू। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लैक एंड वाइट? इन राइटिंग। नाउ द सेवन नंबर इज, सनवी वॉज कंसिडर्ड द ब्लैक शीप ऑफ हर फैमिली। इस सनवी जो है वो अपनी फैमिली की ब्लैक शीप है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लैक शीप? डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यानी सनवी जो है वो अपनी फैमिली के बाकी मेम्बर्स से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब हम किसी डिफरेंट थिंग के बारे में बात करें, वी कैन से दैट ब्लैक शीप। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, माय फेस टर्न ब्लैक एंड ब्लू आफ्टर फॉलिंग ऑफ द बाइसिकल।
यानी मेरा जो चेहरा था वो काला और नीला हो गया साइकिल से गिरने के बाद. सो देर इज़ द ईडियम इज़ ब्लैक एंड ब्लू. वट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लैक एंड ब्लू? ब्रूस्ड. वट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रूस्ड? यानी चोट लगना. ठीक है, ब्रूस्ड का मीनिंग होता है चोट लगना, इंजरी होना. सो माई फेस टर्न्ड ब्लैक एंड ब्लू आफ्टर फॉलिंग ऑफ द बाइसिकल. यानी मेरे पूरे चेहरे पर चोट लग गई साइकिल से गिरने के बाद. ओके, नाउ नेक्स्ट इज माई ब्रदर ग्रेजुएटेड विद फ्लाइंग कलर्स. यानी मेरा जो ब्रदर है उसको वो फ्लाइंग कलर्स के साथ ग्रेजुएटेड हुआ. वट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लाइंग कलर्स? दैट मीन्स गुड मार्क्स. यानी मेरे ब्रदर जो हैं वो गुड मार्क्स के साथ ग्रेजुएटेड हुए. ओके, सो जब गुड मार्क्स की बात हो रही है, वी कैन यूज़ दिस ईडियम विद फ्लाइंग कलर्स. आई होप नाउ ऑल द ईडियम्स रिलेटेड टू कलर्स आर क्लियर टू यू. सो स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज टू कम्प्लीट दिस पेज इन योर बुक. टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.